बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर सीरीज को देख रहे होंगे। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज। तो इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास की बायोलॉजी को स्टडी करेंगे। पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक टोटल हमारे पास 8 चैप्टर्स हैं और 8 चैप्टर में से हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चैप्टर को स्टडी करेंगे, विच इज अबाउट गैशियस एक्सचेंज। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल लेक्चर सीरीज को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज से मुराद के गैसों का तबादला। गैशियस एक्सचेंज का मतलब है गैसों का तबादला के किसी भी बॉडी से, प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, उसमें से गैसेस का एक्सचेंज, गैसेस का तबादला किस तरह होता है वो इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह स्टडी करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर में जो है वो स्टडी करेंगे गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। एनिमल्स में स्टडी करेंगे, स्पेशली ह्यूमंस में स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास मेजर जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम पहले टॉपिक को स्टडी करते हैं, गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में हम स्टडी करेंगे कि किन किन तरीकों से प्लांट्स में गैशियस एक्सचेंज होता है, गैसों का तबादला किन किन तरीकों से होता है। एक प्लांट की बॉडी है, उसमें से गैसेस इन कैसे होती हैं, आउट कैसे होती हैं, कौन कौन से पाथवे हैं, किन किन जगहों से गैसेस एक्सचेंज होता है, वो हम इंशाल्लाह इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट में सबसे पहला पाथवे है हमारे पास थ्रू स्टोमेटा। पौधे के अंदर उसके लीव्स में, उसके मेसोफिल सेल्स में जो स्टोमेटा होते हैं उनके जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है। तो स्टोमेटा कहां पर होते हैं, मैं आपको एक रफली सा स्केच बनाकर दिखा देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास प्लांट के लीफ का जो है वो स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो ऊपर एक सेल की लेयर है उसको कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। उसके बाद जो है वो एपिडर्मिस है, वो अपर एपिडर्मिस है। उसके बाद जो ये वर्टिकल सेल्स हैं, वर्टिकल लेयर ऑफ सेल्स है, इसको कहते हैं मेसोडर्म। इसके बाद हमारे पास आ जाती है लोअर एपिडर्मिस। अच्छा, इसके बाद ये जो पार्ट्स हैं, ये बलून लाइक पार्ट्स, ये जो है हमारे पास, ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरा गार्ड सेल है, इनको हम गार्ड सेल्स कहते हैं। अच्छा, अब ये जो होल है इसमें, इसको कहते हैं स्टोमेटा। प्लांट में डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो गैसियस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन जो है प्लांट से बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती है। वो किस रास्ते के थ्रू जाती है, वो इस रास्ते स्टोमेटा के जरिए जाती है। स्टोमेटा किस पर मुश्तमिल है, स्टोमेटा दो सेल्स पर मुश्तमिल है जिनको कहते हैं गार्ड सेल। इन गार्ड सेल्स के जरिए हवा बाहर भी आती है और अंदर भी जाती है। तो गैसियस एक्सचेंज में सबसे पहला हमने पढ़ा रास्ता थ्रू स्टोमेटा। नेक्स्ट वन है हमारे पास लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स ऐसे रास्ते होते हैं, ऐसे उभार होते हैं
जो किसी भी प्लांट की, ओल्ड प्लांट जो है, अगर आप किसी ट्री को देखें तो ओल्ड ट्री की जो जनरल सरफेस होती है वो सरफेस कुछ इस तरह खुरदरी सी होती है। इस तरह जो खुरदरी सी सरफेस होती है उसके अंदर से एक होल नुमा रास्ता होता है, सुराख होता है, होल, जिसको हम कहते हैं लेंटिसेल। इन लेंटिसेल्स के जरिए गैशियस एक्सचेंज भी होता है। और तीसरा हमारे पास, थर्ड वन है, जनरल सरफेस ऑफ यंग रूट्स। जब जब एक प्लांट बहुत छोटा होता है तो उसकी जो रूट्स होती हैं वहां से गैशियस एक्सचेंज अकर होता है। जब एक छोटा सा प्लांट ग्रो करता है तो उसकी जो फर्स्ट रूट होती है उसको हम कहते हैं टैप रूट। उसकी जो टैप रूट होती है उसको जनरल सरफेस ऑफ यंग रूट, जनरल सरफेस ऑफ यंग रूट से भी जो है गैशियस एक्सचेंज होता है। फोर्थ वन हमारे पास है, फोर्थ वन हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि इन एक्वेटिक मीडियम थ्रू वाटर, जो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें गैशियस एक्सचेंज इस तरह से होता है कि ऑक्सीजन जो है गैशियस फॉर्म में होती है वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है और वो डिजोल्व होके प्लांट उसको इनलेट कर लेता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एक्सहेल करता है वो डिजोल्व फॉर्म में एक्सहेल करता है। तो इस तरह से गैशियस एक्सचेंज जो है एक्वेटिक एनिमल में होता है डिजोल्व गैसेस की फॉर्म। तो ये था जी हमारा टॉपिक गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट। अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो फर्स्ट टू पैराग्राफ्स हैं उनके अंदर जो डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिखी हुई हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। मैं डिस्कस करने लगा हूं लाहौर बोर्ड का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मायानाज क्वेश्चन। वो ये है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये अक्सर आप पास पेपर उठा के देख लें, आपको तकरीबन हर पेपर में ये क्वेश्चन लाजमी मिलेगा। तो चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ। असल में आपने बताना यूं है कि ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस इन विच सिंपली इन एंड आउट ऑफ गैसेस अकर, ठीक है? यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें गैशियस एक्सचेंज होता है वो क्या है? ब्रीथिंग। सेकेंड वन हमारे पास है सेलुलर रेस्पिरेशन। जब पौधा रात के वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा होता, उसको लाइट अवेलेबल नहीं होती, तो वो एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंपली एनर्जी को गेन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है और ऑक्सीजन को इनहेल किया जाता है। ये सिंपली सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो उम्मीद है कि आपको हमारे आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में आके, हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, आप वहां पे आके हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।